हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5 मैचों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें इंडिया ने 4 टेस्ट मैचों में 3 मैच में जीत हासिल कर ली है। तो आपको बता दें, 5वें टेस्ट के लिए कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने फिर से प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव किए। तो आप लोग बोलेंगे क्यों, हर मैच में क्यों बदलाव हो रहा? तो आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि अगर चौथा 5वां टेस्ट है इंडिया जीतता है, तो 4 टेस्ट अगर लगातार जीता तो इंडिया शीर्ष में नंबर 1 आ जाएगी, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगी, और इसी के साथ WTC फाइनल में जगह बना पाएगी। इसलिए फिर से कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव किया है, तो सब बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए वीडियो अच्छा लगे तो। दोस्तों आपको बता दें, पहला टेस्ट में इंडिया को 28 रनों से सर्वनाशक हार मिलने के कारण दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी करने उतरी और इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 106 रन से हराई। और बात करें दोस्तों थर्ड मुकाबले में, तो इंडिया ने एक तरफा जीत हासिल किया, जो कि 434 रनों का बहुत पहाड़ जैसा स्कोर से जीत हासिल किया। और बता दें दोस्तों, चौथा टेस्ट में 5 विकेट से इंडिया जीता। और दोस्तों आपको बता दें कि 5वां टेस्ट 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाएगा। उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ में प्लेइंग 11 में किए बेहद बदलाव किए। तो आपको बता दें दोस्तों कि ओपनर में कोई भी बड़ा बदलाव न हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। पहला टेस्ट का पहला इनिंग में 80 रन बनाए थे और दूसरा इनिंग में 15 रन बनाए थे। वहीं बात करें दोस्तों, सेकेंड टेस्ट में भी दोहरा शतक बनाए थे यशस्वी जायसवाल, 209 रन बनाए थे और सेकेंड इनिंग में 17 रन बनाए थे। फिर भी थर्ड टेस्ट में 214 रन बनाए थे। और दोस्तों बात करें, फोर्थ टेस्ट में भी 73 बनाए थे और 55 रन बनाए थे। तो इसी के साथ यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और दोस्तों बता दें, कप्तान रोहित शर्मा जो कि फॉर्म में तो नहीं चल रहे, पहला टेस्ट में 24 रन बनाए और दूसरा इनिंग में 39 रन बनाए। और बात करें दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच में 14 और 13 रन बनाए थे, और वहीं तीसरा टेस्ट में अपनी फॉर्म में आते हुए 131 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में और 19 रन बनाए थे, और चौथा टेस्ट में जो कि 9 रन और 37 रन बनाए थे। तो दोस्तों आपको बात करें, और तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो शुभमन गिल ही खेलते हुए नजर आए, क्योंकि शुभमन गिल पहला टेस्ट में कोई काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, 23 रन बनाए थे और 2 रन ही बनाए थे। तो आपको बात करें दोस्तों कि दूसरा टेस्ट में शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग में 34 रन बनाया और दूसरा इनिंग में 104 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, इसी के साथ टीम इंडिया को जीत मिला था। और बात करें दोस्तों, तो थर्ड टेस्ट में पहला इनिंग में तो 0 रन बनाए, लेकिन दूसरा इनिंग में इनका किस्मत अच्छा नहीं था, जो कि रन आउट हो गए, 91 रन बनाए थे, 9 रन से पीछे रह गए, शतक के काफ़ी करीब थे। और दोस्तों बात करें चौथा नंबर की, तो राजत पाटीदार जो कि 3 टेस्ट मैच में आजमा चुका है भारत, क्योंकि कोई भी टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों बता दें, राजत पाटीदार को बाहर किया जा सकता है टेस्ट से, 5वां टेस्ट से। और केएल राहुल काफ़ी फिट फाट हो गए हैं, क्योंकि केएल राहुल 5वां टेस्ट में वापसी करेंगे। और बात करें 5वें नंबर की दोस्तों, तो सरफराज खान जो कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, थर्ड टेस्ट में वापसी हुआ था और दोनों इनिंग में 62 बनाए थे, 1 में 68 रन बनाए थे। तो दोस्तों बात करें चौथा टेस्ट में, जो कि अच्छा नहीं चल पाए थे, पहला इनिंग में 14 रन बनाए थे और 0 रन बनाकर आउट हो गए थे। और बात करें दोस्तों, ध्रुव जुरेल 6ठे नंबर पे विकेट कीपर के रूप में बहुत अच्छा बल्लेबाजी है, क्योंकि ये हर मैच में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। थर्ड टेस्ट में वापसी हुआ था, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 46 रन बनाए थे और दूसरा इनिंग में मौका नहीं मिला था खेलने की। और बात करें दोस्तों चौथा टेस्ट में, जो कि 90 रन बनाए थे, शतक तो नहीं बना पाए, लेकिन 90 रन बनाए थे और दूसरा इनिंग में 39 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को मतलब बहुत मुश्किल स्थिति से गुजारते हुए निकल रही थी और मैच को जीत दिलाए लास्ट तक टिक कर। और 7वां नंबर पर जडेजा रहेंगे, क्योंकि जडेजा बॉलिंग के साथ साथ बैट से भी कमाल दिखा रहे हैं। और दोस्तों 8वां नंबर की बात करें, तो अश्विन जो कि काफ़ी अच्छे स्पिनर है और बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अभी तो कुछ खास नहीं कर पा रहे। और बात करें दोस्तों कुलदीप यादव की, अपने चाइनामैन गेंदबाज, तो ये भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, बल्ला के साथ साथ गेंदबाजी में भी असर दिखा रहे हैं। और आकाशदीप का जो कि वापसी हुआ था, बुमराह नहीं खेल रहे, कुछ घरेलू प्रॉब्लम के चलते घर गए हैं।
और बता दें तो आकाशदीप काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, वो भी अपना डेब्यू मैच में 3 विकेट ले लिए हैं। और बात करें 11वां नंबर की तो सिराज ही खेलते हुए नजर आएंगे, सिराज काफ़ी अच्छा गेंदबाज है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।